हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास टेंथ मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 4.2, चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज का 3rd और 4th क्वेश्चन कंप्लीट किया है। आज हम इसका 5th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है 5th क्वेश्चन में? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल मीन्स एक एंगल 90 डिग्री, ये राइट ट्राइंगल है। तो क्वेश्चन में क्या एल्टीट्यूड मतलब कि इसका ये जो परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री वाला, इसको एल्टीट्यूड भी बोल देते हैं। एल्टीट्यूड कितना है? 7 सेंटीमीटर लेस है इस बेस से, मतलब कि एल्टीट्यूड बेस माइनस 7 है। क्लियर? एल्टीट्यूड की वैल्यू बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, ये हाइपोटेनियस होता है, ये बेस होता है, ये एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर होता है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 13 दे रखी है। तो फाइंड द अदर टू साइड, तो इसकी दो साइड फाइंड आउट करनी है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें दे रखा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 लेस है, तो और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 13 दे रखी है, तो हमें यहाँ पर दो साइड और बच गई, बेस एंड परपेंडिकुलर, वो फाइंड आउट करना है। तो जो फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट करेंगे, ये देन के बाद बेस दे रखा है, इसको हम लेट करके चलेंगे। लेट द बेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का बेस हम x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। अगर बेस x है तो देन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7, बेस का 7 कम है एल्टीट्यूड, बेस x लिया है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बेस कितना है? x, इसका स्क्वायर कर देंगे x स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड कितना है? x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है? 13 का स्क्वायर। यहां तक समझ आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप में इस जो इक्वेशन दी गई इनको सोल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a की जगह x है x स्क्वायर, b की जगह 7 है, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 into x into 4 क्या हो जाएगा? 14x इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x प्लस 49, 169 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा और राइट साइड को जीरो बना लिया। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 माइनस का है, 49 प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 120 इक्वल टू जीरो आ गया। अब हमारे पास क्या, इसमें भी टू कॉमन है, इसमें भी टू कॉमन है, इसमें भी टू कॉमन है, तो डिवाइडिंग बोथ
साइड बाय टू, दोनों साइड हम टू से डिवाइड कर देंगे। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है वो देखेंगे सभी नंबर इससे डिवाइड हो रहे हैं। फर्स्ट को टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, इसको टू से डिवाइड करेंगे तो टू सेवन जा फोर्टीन तो सेवन एक्स, इसको टू से डिवाइड करेंगे 120 को 60 इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस 60 इक्वल टू जीरो। अब 60 के कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करे तब तो माइनस 60 आना चाहिए और ऐड करे तब माइनस 7 आना चाहिए। तो 60 के फैक्टर तो तुम्हें पता ही है 12 5 जब क्या होता है 60 होता है, मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए माइनस 60 माइनस आना चाहिए। इट मींस 12 एंड 5 में से एक नंबर कैसा है माइनस है। वो कैसे पता चलेगा कौन सा नंबर माइनस है, एक्स का कोफिशियंट देखेंगे, एक्स का कोफिशियंट नेगेटिव है तो बड़ा वाला नंबर माइनस होगा और छोटा वाला नंबर प्लस रहेगा। ये बात समझ में आ गई। अब माइनस सेवन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 12x प्लस 5 है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ सोल्व कर लेते हैं हम इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स की जगह क्या लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट दो में कॉमन लेंगे x आएगा, इधर x बच जाएगा, इधर माइनस 12, इन दोनों में 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 इसमें भी है और इसमें भी, मतलब 5 से ये भी डिवाइड हो रहा है ये भी डिवाइड हो रहा है, तो 5 यहाँ पर x और यहाँ पर 12 बच गया है इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 12, इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया प्लस 5 इक्वल टू जीरो। दोनों टर्म को इक्वल टू जीरो करेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू जीरो, x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5। माइनस 5 को नेगलेक्ट कर देंगे, माइनस 5 को नेगलेक्ट कर दिया। क्यों नेगलेक्ट किया, रीजन पता है, बिकॉज कभी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं आ सकती और x क्या है इस ट्रायंगल का बेस है, साइड बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इनमें से कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस 5 को हमने नेगलेक्ट कर दिया है और x की वैल्यू 12 हो गई। तो क्या हो गया, बेस ऑफ ट्रायंगल कितना माना था x, x की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर, बेस 12 सेंटीमीटर आ गया तो एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, एल्टीट्यूड x माइनस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर ट्रायंगल की टू साइड फाइंड आउट करनी थी, जो क्या आ गई बेस 12 सेंटीमीटर आ गया और एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर आ गया। तो हमने सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया है, पहले राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी थी उसमें एल्टीट्यूड की वैल्यू बेस से 7 लेस दे रखी थी, हमने बेस की वैल्यू x लेट की तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा x माइनस 7। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमने इसको सोल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू जीरो। माइनस 60 के दो फैक्टर बनाए 12 और 5, नेगेटिव आना चाहिए x का कोफिशियंट तो 12 नेगेटिव ले लिया 5 पॉजिटिव। सोल्व किया तो x की वैल्यू 12 एंड x की वैल्यू माइनस 5 आ गया, x की वैल्यू माइनस 5 को नेगलेक्ट कर दिया बिकॉज साइड ऑफ ट्रायंगल आर नॉट नेगेटिव, ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव नेवर नेगेटिव कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो बेस कितना आ गया 12 और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा 12 माइनस 7 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल इन ए डे,
पोट्री आर्टिकल मतलब मिट्टी के आर्टिकल बनाती है, तो किसी एक दिन कुछ फिक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बनाती है कंपनी। इट वाज ऑब्जर्व दैट, तो ये ऑब्जर्व किया गया ऑन ए पर्टिकुलर डे, किसी पर्टिकुलर डे पर, दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, वाज 3 मोर देन 2x द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, कि एक दिन में जितने आर्टिकल बन रहे हैं उनमें ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी दे रखी है, जितने आर्टिकल बने उसका 2 टाइम से 3 ज्यादा, जैसे एक्स आर्टिकल बन रहे हैं तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, एक्स का 2 टाइम 2x और 3 मोर प्लस 3, तो 2x प्लस 3 ईच आर्टिकल की कॉस्ट होगी। आगे क्या दे रखा है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, मतलब कि उस दिन टोटल जो आर्टिकल बने हैं वो 90 रुपीज के बने हैं, टोटल सारे के सारे आर्टिकल 90 रुपीज के। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, हमें फाइंड आउट करना है कि उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में आ गई, जितने लेंदी दिख रहा है उतनी लेंदी है नहीं कुछ भी, बहुत इजी वे में है। तो हम लेट करके चलेंगे, जो फाइंड आउट करना है, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं, एक्स आर्टिकल, एक दिन में कितने आर्टिकल बन रहे हैं, एक्स आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो प्रत्येक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट होगी, जितने बन रहे उसका 2 टाइम से 3 मोर मतलब 3 ऐड कर देंगे। एक एक्स आर्टिकल एक दिन में बन रहे हैं, एक आर्टिकल की कितनी कॉस्ट है, जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका 2x से 3 मोर, एक्स आर्टिकल बन रहे हैं एक्स का 2x से 3 मोर मतलब प्लस 3 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि टोटल कितने रुपए के आर्टिकल बन रहे हैं, 90 रुपीज के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 90 रुपीज का बनना है, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक्स प्लस थ्री, और टोटल कितने आर्टिकल बन रहे हैं, एक्स, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सपोज करो कि 2 पेन बन रहे हैं और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपए है, तो कितने रुपए के आर्टिकल बन रहे हैं, 10 रुपए की, दोनों के मल्टीप्लाई की, तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी एक्स इंटू 2x प्लस 3, टोटल कॉस्ट क्या दे रखी है, 90 दे रखी है। ये स्टेप समझ में आया, दो टोटल कॉस्ट कब आएगी, एक आर्टिकल की कॉस्ट को नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 90 रुपीज। अब इसको सोल्व करेंगे, 2x की है, एक्स की 3 से प्लस 3x, 90 इधर ले आओ, -90 इक्वल टू 0, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, जो 4.2 एक्सरसाइज में हम स्टार्टिंग से ही सोल्व करते आए हुए हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, कॉन्स्टेंट और एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, -90 इंटू में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2, क्या आ गया, -180। -180 के दो फैक्टर बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई करे तब तो -180 आना चाहिए और ऐड करे तब 3 आना चाहिए, तो 180 का फैक्टर बना लो, 290, 245, 315, 35 जा 15, 5 1 जा 5। अब इनमें से किसी भी नंबर का आपस में ऐसे मल्टीप्लाई करो कि दो नंबर बना लो, दो नंबर की मल्टीप्लाई 180 आनी चाहिए, क्लियर हो गया, और सम करे तो 3 आना चाहिए, तो यहां से 2 2 जा 4 3 जा 12 3 5 जा 15, इन्हीं नंबर्स को मॉडिफाई करके बढ़ाना है, तो 12 और 15 की मल्टीप्लाई क्या आती है, 180 आती है, और इनको सम करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो -180 को हम क्या लिख देंगे,
15 एंड 12। अब 180 माइनस का आना चाहिए, इट मींस 15 एंड 12 में से कोई एक नंबर नेगेटिव है। इसके लिए हम एक्स का कोफिशियंट देखेंगे, प्लस आ रहा है तो बड़े वाला नंबर प्लस है और छोटे वाला माइनस। 3x की जगह क्या रख देंगे, 15x माइनस 12x, 2x के 3x की जगह 15x प्लस माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहाँ पर x कॉमन ले, यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 2x प्लस में 15। यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है तो माइनस 6 बाहर लेंगे, माइनस 6 लेंगे तो 2x और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 15। 16 5 जा 6, 15 6 जा 90 हो गए, इसलिए 15 बच गए, 6 बाहर ले लिया इक्वल टू 0। 2x प्लस 15, 2x प्लस 15 दोनों में आ रहे हैं, बाहर ले लेंगे कॉमन, 2x प्लस 15 क्या बच गया फर्स्ट में x, इधर से 2x प्लस 15 ले लिया तो माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दोनों नंबर 0 के इक्वल करेंगे, 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, माइनस 15 अपॉन 2, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 6। x क्या लिया, नंबर ऑफ आर्टिकल। अब तुम किसी कंपनी में आर्टिकल बना रहे हो तो पूरे पूरे आर्टिकल बनाओगे, ये तो नहीं 1/2, 3/5 या नेगेटिव है तो आर्टिकल की वैल्यू कभी नेगेटिव में आ सकती है, नहीं, तो ये नंबर तो नेगलेक्ट हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 6 आ गई है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल 6 हो गए। और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, 2x प्लस 3। x की वैल्यू 6 रखो, 6 टू जा 12 प्लस 3 कितनी आ गई, 15। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट तो कितनी आ गई है, 15 आ गई है, और उस दिन कितने आर्टिकल बने थे, 6 आर्टिकल बने थे, तो यही फाइंड आउट करना था कितने आर्टिकल बने थे और कितने आर्टिकल बने तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट कितनी आएगी। समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6, एक बार रिपीट कर देते हैं शॉर्टली वे में, क्या दिया गया था, जितने आर्टिकल बन रहे हैं ईच आर्टिकल की कॉस्ट उसके 2 टाइम से 3 ज्यादा थी, इसलिए 2x प्लस 3 ईच आर्टिकल की कॉस्ट हो गई। टोटल कॉस्ट 90 दे रखी थी तो 2x प्लस 3 इनटू x क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 15 बाई 2 और 6 आ गई। नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव नहीं हो सकते तो हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे, x की वैल्यू 6 आ गई, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं 6, और ईच आर्टिकल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3, यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख देंगे, 6 रखेंगे तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने आ गई, 15 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कम्प्लीट हो गया, और इसी के साथ हमारी 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।